हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मोबाइल एक्सपर्ट सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गूगल क्या है, इंटरनेट का यूज़ करने वाला इंसान हर यूज़र को पता है गूगल क्या है। गूगल अगर गूगल के बिना आज कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो हम सबसे पहले गूगल का नाम लेते हैं और गूगल पर उस चीज़ को सर्च करते हैं। जैसे हम अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए होती है, हम सबसे पहले गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं, वो चीज़ हमें प्रॉपर गाइडेंस के साथ दिखाता है। सोचने वाली बात है कि आखिर ये गूगल के पास आता कहाँ से है डाटा, जो हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार पूरा करता है। हमें जो भी चीज़ चाहिए हम गूगल पर सर्च करते हैं, वो चीज़ हमें दिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं अब गूगल कैसे बना और आज कहाँ किस लेवल पे गूगल काम करता है। ये एक इंटरनेशनल अमेरिकन कंपनी है जो 4 सितंबर 1998 में बनी थी। इसके जो जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था, लेरी पेज और सेरी बीन्स ने इसकी शुरुआत की थी। इस कंपनी की शुरुआत इन्होंने डाटाबेस से की थी कि अगर यूज़र को कुछ भी चीज़ चाहिए होगी, कुछ नॉलेज वाली चीज़, तो वो सबसे पहले गूगल पे आए और उस चीज़ उन्हें प्रोवाइड करा दे। अभी हाल ही में बात करूँ तो इसके जो CEO है सुंदर पिचे है, जो इंडियन है, 19 अगस्त 2004 में ये गूगल सही से काम करने लगा और इन्होंने इसे पब्लिश किया तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे। फिर गूगल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और हर कोई इंटरनेट यूजर गूगल पे सर्च करता है और नॉलेज, इंटरटेनमेंट, हर चीज़ गूगल पे मिल जाती है। जब गूगल आगे बढ़ने लगा तो ये अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर गूगल के पास इतना डाटा कहाँ से आता है। सपोज डैट आपने अगर गूगल पे सर्च किया तो सबसे पहले आपको कीवर्ड गूगल पे दिखाई देता है और कीवर्ड के अनुसार गूगल आपके सामने वो पेज रख देता है। अगर आपको जानना है कि इंडिया में सबसे बेस्ट जगह घूमने के लिए कहाँ है, तो आप अगर गूगल पे सर्च करते हो तो सबसे पहले वो गूगल कीवर्ड को सर्च करता है और उसके अनुसार उसे दिखाता है, उस पेज को सबसे आगे रैंक में लाता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते तो वेबसाइट खुलती है और वेबसाइट में उसका पूरे तरीके से डिटेल लिखी होती है, जिसे आप देखते हो, पढ़ते हो। इस तरीके से गूगल काम करता है। गूगल वर्ल्ड वाइड सर्विस देता है, पूरी जगह गूगल का यूज होता है, गूगल का मेन पर्पज यही होता है। ये डाटाबेस हम ही लोग जो जिन्हें नॉलेज होती है वो अपना डाटा किसी चीज़ के बारे में लिख के उसे पब्लिश करते हैं, वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, अब गूगल उसे सबसे पहले रैंक में लाता है। अगर आपने जो कीवर्ड लिखा है और कोई यूज़र उसे कीवर्ड को सर्च करता है तो सबसे पहले रैंक वो आएगी और वो ओपन, जैसे आप वेबसाइट आएगी अगर ओपन हो जाता है तो वो जानकारी वो उस यूज़र तक पहुँच जाती है। इस तरीके से गूगल काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि गूगल किस तरीके से काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।